होंगे हिचकोले खाने के दिन। अब गड्ढों में नहीं गिरेंगे वाहन। सड़कों पर फर्राटा भरेंगी कारें। बस में भी होगा आरामदायक सफर। स्पीड ब्रेकर्स पर नहीं लगेगा झटका। हाईटेक होंगे प्रदेश के मार्ग। यूपी बनेगा सड़कों का स्वर्ग। नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। और ये बात कि यूपी सड़कों का स्वर्ग बनेगा, फिलहाल आपको कल्पना जैसी बात, ख्वाब जैसी बात लगती हो, लेकिन सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार अब इसे मुमकिन करने जा रही है। ये खुद दावा डिप्टी सीएम ने किया है और बड़ा कार्यक्रम इसको लेकर के लखनऊ में हो रहा है। कभी खराब सड़कों के लिए मशहूर रहे उत्तर प्रदेश में, अब सड़कें मक्खन जैसी बनेंगे। यूपी सरकार की योजना है कि सड़कों को मानकों के मुताबिक बनाया जाए और नई तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया जाए। सरकार का दावा है कि अब यूपी की सड़कों में गड्ढे बीते दिनों की बात हो जाएगी। इसके लिए कई राज्यों के पीडब्ल्यूडी मंत्री भी कल से दो दिन तक यूपी में ही रहेंगे। यूपी सरकार दूसरे राज्यों से भी उन्नत तकनीक बांटने जा रही है। सरकार का दावा है कि सड़कें अब स्वर्ग का अनुभव कराएंगे। अब वो दिन दूर नहीं जब यूपी की सड़कों पर वाहन फर्राटा भरेंगे। सरकार का दावा है कि सड़क पर वाहनों के हिचकोले खाने के दिन हवा होने वाले हैं और जल्द ही सड़कों पर गड्ढे दिखना बंद हो जाएगा। लखनऊ में 8 और 9 दिसंबर को सड़क निर्माण पर वर्कशॉप होने जा रही है। इस वर्कशॉप में देश के सभी लोक निर्माण विभाग मंत्रियों के अलावा अधिकारी और रोड सेफ्टी एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। हमारा प्रयास है कि हम उत्तर प्रदेश को सड़कों की दृष्टि से कायाकल्प भी करें, सड़कों का एक स्वर्ग बनाने का काम करें। देश एक परिवार के समान है और पूरे परिवार के लोग जब आपस में बैठ करके कोई रास्ता निकालते हैं तो नई चीज़ निकल करके आती है। इसीलिए हम लोगों ने इसमें सड़क निर्माण में नई तकनीकी। यूपी सरकार का मानना है कि सड़क निर्माण में सभी मानकों का पालन होगा। सड़कें मजबूत बनेंगी जो सालों साल चलेंगी। लखनऊ में आयोजित होने वाली वर्कशॉप में मानकों के साथ मजबूत सड़कों का निर्माण करने पर चर्चा होगी। सरकार का कहना है कि उन्नत तकनीक से सड़क निर्माण होने से सड़कें सालों साल टिकी रहेंगी। स्पीड ब्रेकर मानकों के मुताबिक बनेंगे। गांव और कस्बों की सड़कों का निर्माण ड्रेनेज सिस्टम को ध्यान में रखकर किया जाएगा। नई तकनीकी के इस्तेमाल से तीन प्रकार की चीजें, जो सड़कों की गुणवत्ता का विषय हो, सड़कों के अधिक लोड संभालने का विषय हो, या सड़कों में जो लागत लगती है उसमें खर्च कम करने का विषय हो, या तीनों विषयों में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग प्रयास कर रहा है। सरकार का कहना है कि देहात में भी सड़कें कम से कम 2 लेन की बनेगी, साथ ही सभी जगह सुरक्षा मानकों का भी ध्यान रखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जी, तो यूपी की सड़कें अब स्वर्ग सा फील दिलाएंगी, ये एजेंडा है यूपी सरकार का और इसीलिए ये बड़ी कवायद की जा रही है। मेरे साथ जुड़े हुए हरिकिशोर तिवारी साहब, जो इंजीनियर हैं लोक निर्माण विभाग में, लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हैं, और मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं पीएन मल्होत्रा साहब भी, जो रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, जुड़ेंगे मेरे साथ। लेकिन हरिकिशोर तिवारी जी, आपसे समझना मैं चाहूँगा, आप तो खुद इंजीनियर रहे हैं, सड़कें बनाते रहे हैं, देख रेख करते रहे हैं सड़कों की, अब जो ये कवायद हो रही है, क्या लगता है कि वो स्वर्ग सा फील हम कब तक करने लगेंगे सड़कों पर उत्तर प्रदेश के भीतर? देखिए, ये एक सेमिनार प्रदेश में आयोजन किया जा रहा है जिसमें कि सारे स्टेट्स के लोग भारतवर्ष के आ रहे हैं और अपनी अपने स्टेट्स में जो उनके यहाँ काम चल रहा है उसकी तकनीकी के ऊपर यहाँ पे अपना उद्घोषणा देंगे और अपना बताएंगे। उस तरह की मशीनें भी यहाँ पे लाई गई हैं दिखाने के लिए, और उसका एक अच्छा प्रयास है कि इससे तमाम सारी टेक्नोलॉजी जो दूसरे स्टेट्स में हमारे यहाँ नहीं है उसको देखेंगे। दिक्कत यहाँ आती है कि जो चीज़ें हमारे यहाँ दिखाई जाएंगी आज या कराई जाएंगी या उसके ऊपर बोला जाएगा, वो फिर बाद में इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे दो बातें आती हैं, एक तो ये आती है कि सड़कें हमारी बने
और उसके ऊपर ज्यादा बने। हमारे यहाँ एक सेंसस शब्द होता है पीडब्ल्यूडी में, जिसमें कि कितना आपका पर आवर ट्रैफिक चल रहा है, पर डे कितना ट्रैफिक चल रहा है इसके ऊपर, उसके ऊपर विचार करके तब सड़कों की स्ट्रेंथनिंग यानी मोटाई को तय किया जाता है, नहीं उसके मटेरियल को तय किया जाता है। परंतु होता दूसरा है, जब हम बात करते हैं पैसे की, अगर पैसा कम देते हैं सरकार लोक निर्माण विभाग को इस काम के लिए, तो कहते हैं मैक्सिमम सड़कों को आप पूरा कर दीजिए। कभी कभी चुनाव आते हैं तो उसके पहले चाहते हैं मैक्सिमम पूरा हो जाए। तो इस तरह का जब होता है और सेंसस को ध्यान में नहीं रखा जाता है, तब समस्या खड़ी होती है। अभी एक बहुत अच्छी बात जो आ रही है, जो यहां देखने को मिल रही है, हमने देखा वहां पर मशीनें आई हुई हैं और वो प्रोसेस बहुत अच्छा है कि रिसाइकलिंग प्रोसेस। आपने देखा होगा राजभवन के सामने अक्सर सड़क बनती है, हर साल सड़क बनती है लगभग, और वो 6 इंच ऊंची हो जाती है, ऊंचे दरवाजे होते चले जा रहे हैं, सड़क ऊंची होती चली जा रही है, वेस्ट मटेरियल वेस्ट होता चला जा रहा है। अगर ये रिसाइकलिंग मशीनें जो आज आई हैं और दिखाई जा रही है, इसको उपयोग अगर उत्तर प्रदेश में हम करें, तो ये सड़कों को जो मटेरियल है उसको रिसाइकिल करके उसी मटेरियल को हम दोबारा सड़क में यूज कर सकते हैं, न तो ऊंचाई बढ़ सकती है, न ऊंचाई बढ़ेगी हमारी, और न ही हमारा उसमें वेस्टेज होगा, और कम लागत में हम अच्छी सड़कें बना सकते हैं। तो तमाम सारी चीजें हैं, अगर हम इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ सीखें और सीखने के बाद उसको विभाग में इंप्लीमेंट करें, तो हम समझते हैं इकोनॉमी के साथ साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं विभाग में। बेशक, मैं आपसे समझूंगा और भी कई पहलुओं को। पीएन मल्होत्रा साहब मेरे साथ जुड़ गए, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। मल्होत्रा साहब, ये आंकड़े जो हैं वो डरावने हैं। सिर्फ गड्ढों की वजह से 3,500 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं सड़क पर, और अगर तमाम जो मौतें होती हैं उसकी बात करें तो 1.5 लाख से ज़्यादा लोग साल भर में देश भर में मारे जाते हैं। सवाल ये है कि क्या सड़कों की गुणवत्ता इन सड़क हादसों के लिए कितनी जिम्मेदार है, और ये तादाद कम हो एक्सीडेंट्स और एक्सीडेंटल डेथ की, इसके लिए भी जो अब कवायद हो रही है उत्तर प्रदेश में, वो कितना कारगर होगा? सर, जो सड़कें होती हैं हमारी गलती से होती है, एक्सीडेंट होते हैं, फेटल एक्सीडेंट होते हैं, हमारी गलती से होते हैं। ये हाई स्पीड मोटरसाइकिल आ गए हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम चलती नहीं है, कारें भी तेज चलती हैं, और थोड़ा सा मोटरसाइकिल वाला किसी का टू व्हीलर किसी का टच हो जाएगा, उसका फेटल होगा ही होगा। तो जब तक हमें भी कर रहा है, ये गड्ढे वड्ढे का तो इतना ही है, गड्ढे से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इससे फेटल एक्सीडेंट नहीं होते, क्योंकि हमारी स्पीड ज़्यादा होती है इसलिए फेटल एक्सीडेंट होते हैं। बरसात में गड्ढों में थोड़ा हमें आराम से चलाना चाहिए, अब गड्ढे कहीं भी हो सकते हैं, बरसात में गड्ढे कहीं भी हो सकता है, इसमें इसका कोई गवर्नमेंट का इतना कसूर नहीं है, हम ज़्यादा कसूरवार है, हम बड़ा रैश एंड नेग्लिजेंस चलाते हैं, इसीलिए फेटल एक्सीडेंट की जो संख्या ज़्यादा हो रही है। नहीं, लेकिन अगर सड़कें मानक के मुताबिक हो, सड़कों पर गड्ढे नहीं हो, तो शायद इस पर भी लगाम लगे, एक्सीडेंट पर भी लगाम लगे। मैं ये भी समझूंगा आप लोगों से और कैसे ये गुणवत्ता सुधारने से लगाम लगाया जा सकता है, लेकिन ये भी बताऊं कि सड़क पर जगह जगह गड्ढे दिखना आम बात है। ये हमारे आपके रोजमर्रा के अनुभव की बात है, सड़क चाहे महानगर की हो या फिर भारत के प्राचीन शहरों, छोटे शहरों में शुमार इलाहाबाद की जनता भी जो ये बताती है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ही दरअसल घटिया सड़कों का निर्माण होता रहा है। जी देखिए ये भी रिपोर्ट। मानकों का पालन तो नहीं होता है, और हम समझते हैं कि ओवरलोड गाड़ियां और इन सारी चीज़ों पर भी अगर ध्यान दिया जाए तो सड़कों पे गड्ढे नहीं बनेंगे, लेकिन ये फैक्ट है कि मानकों का पालन नहीं होता। और 100% ये तय है कि अगर आप देखें GT रोड्स पे तो ओवरलोड गाड़ियां बहुत होती हैं, जो पैसे दे करके आगे बढ़ जाती हैं, इसकी वजह से भी सड़क पे गड्ढे वगैरह हमेशा बनते हैं या सड़क ख़राब होती हैं। देखिए, मानक की बात अगर करें तो वो अलग चीज़ है, नियम अगर ना माने ठेकेदार तो अलग है, लेकिन ठेकेदार क्या करते हैं अपने लिए, यानी अपने सुकून के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, रोड पे उतना कुछ खास करते नहीं है, मतलब कि ज़्यादा गड्ढे जल्दी हो जाते हैं, अब कोई भरोसा नहीं, अगर रोड पे आदमी चल रहा है या फिर कोई चीज़ें जा रही हैं, ट्रक वगैरह हो गई, तो उनकी पहिया कब धस जाए कोई भरोसा नहीं है, तो इससे जान का खतरा होता है। तो ठेकेदार तो अपने लिए करते हैं, बाकी जनता के बारे में सोचते ही नहीं है। निश्चित रूप से सड़क बनाने के लिए जो टेंडर होते हैं उसमें जितने नियम लिखे जाते हैं, प्रैक्टिकल में ठेकेदार उन नियमों को ठीक ढंग से पालन नहीं करते हैं, और उसके मानक के अनुसार, उसमें क्वालिटी के अनुसार उसमें सामान नहीं डाला जाता, जिसके वजह से वो बारिश में गड्ढे हो जाएंगे, सड़कों का में बड़ी बड़ी गाड़ियों का लोड नहीं बर्दाश्त कर पाते, वो भसक जाती हैं और उसमें गड्ढे बन जाते हैं। सड़क निर्माण में मानकों का तो बिल्कुल से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और उसका अगर उदाहरण देखना चाहें, नवाब यूसुफ रोड की जो सड़क है पहले बनी, आज बिल्डिंग बन रही है, एक तरफ तो जाम लगा हुआ है बुरी तरह से, और जैसे ही आप नीचे उतरते हैं पुल के, एक ज़बरदस्त गड्ढा है, गड्ढा होने की वजह से जाम बढ़ता है। अगर ये मानक से हुआ होता
तो ये गड्ढा नहीं होता और आसानी से वहाँ पास होते हैं। कम से कम जिस तरह से बन रहा है ओवर ब्रिज का चौड़ाई जो बढ़ रही है उससे जाम लग जाता है और छोटे छोटे बच्चे हम तो देखते हैं वहाँ पर रिक्शे से उतर के रिक्शे को ढकेलते हैं और दूसरे खतरा हो जाता है लोगों को चलने में गड्ढे से। मानक का प्रयोग पूरी तरह से नहीं हो रहा है। सड़कों का निर्माण कब हुआ? पेपर पर बहुत सी सड़कें तो ऐसी हैं जिनका पेपर पर निर्माण हो जाता है लेकिन वास्तविक निर्माण हुआ ही नहीं रहता। कहीं दूसरे जगह की सड़क बनती है और वहाँ की सड़क दिखा दी जाती है कि यह बनी हुई थी। फिर क्वालिटी की जहाँ तक बात आती है, क्वालिटी को तो कोई चेक करने वाला है ही नहीं है। मानक क्या है? मानक तो तब हो जब उस क्वालिटी का निरीक्षण हो। निरीक्षण करता ही जब भ्रष्टाचार में लिप्त है तो क्वालिटी कहाँ से आएगी? हरिकिशोर तिवारी जी, ये बातें जो लोग कह रहे थे आप बखूबी समझ रहे होंगे कि ये क्या कह रहे हैं। आप तो पीडब्ल्यूडी में रहे हैं, इंजीनियर रहे हैं, सड़कों को पास करते रहे होंगे आप। दरअसल सारा खेल हो जाता है, मानक तो पहले से भी रहे हैं, नियम तो पहले से भी रहे हैं, नॉलेज पहले से भी रहा है, लेकिन खेल तो हो जाता है उसके बाद। क्या उस खेल पर रोक लगाना पहले जरूरी होगा? बिल्कुल, एक बात बिल्कुल सही है। इसमें तमाम सारे हम लोगों के संगठन जितने भी हैं वो इसके लिए तमाम दबाव देते हैं। अभी आज की तारीख में आपको बता दें कि पहले जांच फिर भुगतान एक नई चीज़ हम लोगों ने निकाली है और उस पर हमारी समझ से सरकार करने जा रही है कि जब हमारा निर्माण का एक काम हो जाए, जैसे मान लीजिए एक कोट पत्थर पड़ गया, उसके बाद एक एजेंसी ऐसी जिले में हो जिसमें MES के लोग यानी मिलिट्री के रिटायर्ड लोग हों और जजेस के रिटायर्ड लोग हों और वो मिलके उसकी जांच करें, उसके बाद भुगतान होगा। उससे क्या फायदा होगा? उससे एक तो फायदा होगा जो ये बलगट ठेकेदार हैं, ये जो दबाव डालकर भुगतान कराते हैं या अपनी मनमर्जी चलाकर गुंडागर्दी के दम पे भुगतान कराना चाहते हैं, उस पर रोक लगेगी और क्वालिटी ठीक आएगी। तो इसकी मांग हम लोग कई सालों से करते आ रहे हैं। हम समझते हैं कि अब ये मेच्योरिटी के स्थिति में अगर ये हो गया तो हम समझते हैं कि जो बातें आ रही हैं इसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। दूसरी बात, जब निर्माण हम करते हैं तो हमारे यहाँ जो विकास के जितने भी चैनल हैं हमारे, जैसे पोस्टल टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के BSNL वाले हैं या हमारे नाली के लोग हैं या हमारे और लोग हैं जो विकास करते हैं, तो होता क्या है इनमें तालमेल नहीं होता है। सड़क हमने आज बना दी, उसके बाद दूसरे दिन उसमें लाइन पड़ जाएगी, तीसरे दिन उसके बाद उसके किनारे नाली बनने लगेगी। तो ये सारी बातें एक साथ नहीं होती। इसके कारण आपने देखा होगा अक्सर ये होता है कि वो अच्छी सड़कें काट दी जाती हैं। तो इस पर विशेष ध्यान होना चाहिए, जिला स्तर पर होना चाहिए कि वो एक साथ देखें कि कैसे इनको एक साथ हम काम शुरू करा पाएंगे, जिससे कि भविष्य में वो चीज़ें जब पैच हम बनाते हैं, जब नाली डाल देते हैं, उसके बाद जब हम रिपेयर करते हैं तो कभी भी पूरा ठीक नहीं हो पाता है। जब हम सड़क बनाएं तो उसके बगल में हमारी नाली अवश्य बनानी चाहिए, इससे पानी की निकासी हो। ये हमारे प्रोविजन नहीं होता है PWD वगैरह में कि उसके साथ में एस्टिमेट में नाली बना दें। तो जब इन चीज़ों को हम लोग ध्यान देंगे तो हम समझते हैं कि इस पर कम से कम रुकावट आएगी और इसमें अच्छी हम गुणवत्ता से काम कर सकेंगे, यही हमारा हम कह सकते हैं इस जी जी। तो जी, ये तो कोऑर्डिनेशन की जो बात कह रहे हैं सभी डिपार्टमेंट के बीच में वो जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं पीएन मल्होत्रा साहब? मैं इससे पहले एक और दिखा दूँ क्या हालत है कहाँ कहाँ की। भारत की खराब सड़कें हर साल हजारों लोगों की मौत की वजह बनती हैं। आंकड़ों के मुताबिक 3,500 लोगों की मौत हर साल खराब सड़कों की वजह से होती है और सड़कें टूटने का कारण मानकों का पालन नहीं करना तो है ही, ओवरलोडिंग भी सड़कों के टूटने की बड़ी वजह है। भारत में हर साल हजारों लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है। आंकड़ों की माने तो रोजाना 400 से ज्यादा लोग भारत में सड़कों पर दम तोड़ देते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल करीब 3,500 लोगों की मौत खराब सड़कों की वजह से होती है। इन मौतों में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाएं भी शामिल हैं। दरअसल भारत में सड़कों के निर्माण में मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता। कहीं कहीं तो सड़क वहाँ बना दी जाती है जहाँ सड़क बनाई ही नहीं जानी चाहिए। स्पेसिफिकेशंस जो होते हैं उन पे कई बार कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इंजीनियर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं क्योंकि जो हिंदुस्तान में कल्चर है थर्ड क्लास प्राइस और थर्ड क्लास क्वालिटी ऑफ वर्क। भारत में सड़कें बनने के बाद उनका जल्द टूटना भी एक समस्या है, लेकिन इस समस्या का एक बड़ा कारण ओवरलोडिंग भी है।
एक्सप्रेस वे हैं, हाईवेज हैं, वहाँ पे तो 2 फुट 3 फीट भी अगर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ट्रकों का लोड और सड़क पे लोड बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, और जितना ट्रैफिक होता है जितनी स्पीड होती है और जिस तरह की गाड़ी होती है उससे सड़कों की जो बियरिंग कैपेसिटी है वो सफिशेंट होनी चाहिए। और फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो सरफेस पे तो डैमेज होगा ही, पर जो फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं तो फाउंडेशन बैठ जाती है। यूपी सरकार अब मजबूत सड़कें बनाने की तरफ पहल कर रही है, देखना है कि सरकार की कोशिश क्या रंग लाती है। दिल्ली से सूरज अरोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अपीन मल्होत्रा साहब, आप जो कहना चाह रहे थे शायद कहीं ये तो नहीं आप कह रहे हैं कि सड़कें बेहतर होती जा रही हैं, गाड़ियां बेहतर आती जा रही हैं और नियम लागू नहीं होते इस वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन अगर उसमें बीच में अचानक गड्ढे आ जाएं तो वो और जानलेवा साबित होता है? सर मैं एक बात बताऊँ, जहाँ गड्ढे आते हैं वहाँ स्लो ट्रैफिक चलती है, ट्रैफिक तेज चल ही नहीं सकती। आप किसी भी हाईवे में देख लो, कोई गड्ढे नहीं मिलेंगे, कोई सड़क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो अंदर इंटरनल रोड्स होते हैं सर, उसी में गड्ढे आते हैं। अब ये इंजीनियरिंग जो इंजीनियरिंग PWD CPW वाले अपनी ड्यूटी से करते हैं, उनकी क्या ड्यूटी है इसको चेक करें, अगर नहीं है तो इनका पेमेंट रोक दें, किसने मना किया इनको? हम अपनी ड्यूटी तो पूरी करते नहीं है, ये सड़कों के ऊपर गड्ढों के ऊपर जिम्मेवारी फिक्स कर देते हैं। हमने क्या करना, हमारी क्या ड्यूटी है सर, हम अपनी ड्यूटी नहीं करते। मेन रोड हाईवे में देखिए, एक भी गड्ढा नहीं मिलेगा, क्या जितनी भी बारिश हो जाए, कंडीशन उनकी कंडीशन तो एक ही होती है, जो भी उनके बनाने की है, जब उसके बिल्डर ठेकेदारों की है या किसी की है सर, हमें ही भी अलर्ट होना पड़ेगा। जब तक पूरा ना होता एक साइड में पूरी सड़क बना देंगे, दूसरी बनाएंगे ही नहीं। अब क्यों नहीं बनाएंगे, किस क्या रीज़न है, बैटरी इनको पता होगा, एक इंजीनियरिंग डिफेक्ट बड़ा होता है, इंजीनियरिंग डिफेक्ट सड़कों में बड़ा होता है, कट नहीं होता, कट लगा जाते हैं, ओवरटेक उल्टा करके आ जाते हैं, तो सर हमें भी कुछ समझना चाहिए। ये खड्डे होते हैं ठीक है, वो शहरों में गांव में ज्यादा होते हैं, बाकी शहरों में बड़ी बड़ी सड़कें कहीं नहीं है। दिल्ली लखनऊ में जरा कोई सड़क नहीं मिलेगी, आगरा लखनऊ हाईवे में जरा कोई आपको टूटा हुआ नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों? इंजीनियर भी वही हैं, ठेकेदार भी वही हैं, बनाने वाले भी वही हैं, PWD वाले वो भी हैं, CPW वाले भी वही हैं। ये तो बड़ा वो गंभीर समस्या है जी। PWD वाले हैं हमारे साथ हैं इंजीनियर साहब आर किशोर तिवारी जी, उनसे मैं पूछूंगा इसका जवाब, लेकिन मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं और लोगों की राय क्या है कि खेल के सामान के लिए विख्यात और पश्चिमी यूपी का बड़ा औद्योगिक शहर सड़कों की खस्ता हालत से परेशान है। लोगों का कहना है कि गड्ढा मुक्त सड़कें सिर्फ बातों में ही बनती हैं। देखिए मेरठ की जनता की राय। देखिए जो अभी कोई ठेकेदार है जो माल लगा रहे हैं, उसमें ठेकेदारी तो ये पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसमें माल अच्छा नहीं लग पा रहा है। पैसा इनको या तो PWD वाले खा रहे हैं या जो ठेकेदार है ये खा रहे हैं। स्थिति को लेकर मैं साफ तौर पर कहना चाहूँगा, जिस तरह से भाजपा की सरकार बनी थी प्रदेश के अंदर, योगी जी ने 15 जून तक का समय सड़कों को सही करने का दिया था, लेकिन फिर उसके बाद समय बढ़ा दिया गया, उसके बाद भी अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई सड़कों पर नहीं हो पा रही। सड़कों पर मार लग रहा है, गड्ढों में फिर भी दिखाई दे रहे हैं, सड़कें टूटती हैं, भर्ती बाद में है, पहले टूट पहले जाती है। व्यापारी आदमी है, शहर की सड़कें इतनी ख़राब हैं, ना सही होती, तो कैंट एरिया में जब मेरठ कॉलेज की सड़कें इधर VIP सड़कें बनी हुई हैं, शहर की सड़कें इतनी ख़राब हैं, बनती बाद में टूट पहले जाती हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब से हमारी सड़क बिल्कुल ठीक नहीं है, चलाते बाद में गड्ढे पहले हो जाते हैं, कहीं कोई गड्ढा हो गया तो यहाँ के जो भी हैं नगर निगम वाले हैं जो भी हैं उनका काम क्या है, या तो वो कोई पेड़ पौधा लगा देंगे वहाँ पे, गटर वगैरह कुछ भी सही नहीं होते, कोई भी टायर कहीं भी जाएगा गिर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सड़कें बनाने का काम तो होता है, लेकिन ये काम वो है जो रातों रात वाला होता है, और जो रातों रात की सड़कें बनती हैं वो कैसी बनती हैं ये जनता इससे पूरी तरह परिचित है, क्योंकि जिस तरह से माल उसमें डाला जाता है कि उसके ऊपर से एक भी भारी वाहन गुजरा तो सड़क वहीं टूट जाती है, और 2 बूंद पानी की गिरी तो उसमें गड्ढे बन जाते हैं। हरकिशोर तिवारी जी, आप तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि लोग हर चीज को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और मुझे लगता है कि लोगों की बातों से जो समझ में आती है बात आप भी समझ रहे होंगे कि नॉलेज से बड़ा मुद्दा करप्शन है। PWD विभाग इसके लिए बड़ा बदनाम रहा है, तो क्या बेहतर सड़क के लिए पहले करप्शन पर लगाम लगाना जरूरी होगा? हाँ जी, हेलो जी। ऐसा है कि इसमें वो बात सब सही है जो आप बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं, उनकी भी अपनी भावना है, उनकी अपनी भावना है, वो ठीक बोल रहे हैं,
लेकिन मेरा कहना है, जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे कि अगर ये जो कहते हैं डेडलाइन दे देते हैं कि 15 जून तक हम कर देंगे, ये बोलना गलत है। कभी भी डेडलाइन इसमें नहीं दी जा सकती है गड्ढा मुक्ति में। गड्ढा मुक्ति एक सतत प्रक्रिया है। गड्ढा मुक्ति तो एक बात कहा था कि इसमें गैंग सिस्टम होना चाहिए। गड्ढा मुक्ति तो 20 किलोमीटर पे तुरंत में काम चलाऊ तरीका था कि जो लोग गड्ढों से परेशान है तो तुरंत चलिए उसको भर दीजिए, बनाने में वक्त लगेगा। तो लेकिन सवाल है कि बनने में और उसको बनाए जाने में जो घपले होते हैं, जो पैसे खा लिए जाते हैं और सड़क की मोटाई कम हो जाती है, जो उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, बार बार सड़क टूटते रहते हैं, ये इस पर ये कितना बड़ा इशू है। सबसे पहले इस पर लगाम लगाना जरूरी होगा। पीडब्ल्यूडी को पहले ईमानदार बनाना पड़ेगा। इसमें भी एक उपाय हो, इसमें भी एक किया सकता है, इसमें भी एक काम हो सकता है। नहीं, इसको सिस्टम को बनाना पड़ेगा। जैसे जो ठेकेदार सड़क बना रहा है उसको 5 साल तक रखा जाए कि उसी को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करेंगे कि उसके ऊपर लायबिलिटी फिक्स कर देंगे कि 5 साल तक वही बनाएगा, वही रिपेयर करेगा, तो निश्चित रूप से अच्छा काम करेगा। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि उसके लिए हम एक जांच एजेंसी ऐसी लगाएं जो भुगतान करने से पहले जांच करे उसकी, उसके बाद भुगतान होने दे, तो दबाव कम होगा और निश्चित रूप से उन्हें अच्छी सड़क बनानी पड़ेगी। और 5 साल तक रिपेयर करने का दबाव उनके ऊपर होगा कि उन्हीं को अड्डे मुक्त करना है, तो वो काम अच्छा करेंगे। वो भी भुगतान तक जाने के लिए भुगतान करते हैं, वो सोचते हैं हमारा भुगतान हो जाए और उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन अगर भुगतान तक जाएंगे तो इसी तरह की सड़कें बनाने का प्रयास करेंगे और दबाव देंगे। लेकिन अगर उनको ये सब बातें होंगी तो निश्चित रूप से वो काम भी अच्छा करेंगे और उसके ऊपर दबाव भी रहेगा। चलिए मैं आगरा की भी सड़क दिखा लूँ, फिर मैं आपसे ये भी समझूंगा कि अब जो है ये कवायद हो रही है और बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है, इससे क्या फ़र्क आएगा। मुगलों के ज़माने से ही बड़ा शहर रहे आगरा की सड़कें भी आज खस्ताहाल हैं। सड़कों की हालत ऐसी है कि बनने से पहले ही टूट जाती हैं। लोगों का मानना है कि ज़रूरी रख रखाव और मानकों का पालन नहीं करने से सड़कें जल्द टूटती हैं। भाई ये सीधी है, इसमें रिश्वतखोरी होती है, इसमें दलाली होती है। ठेकेदार को ठेका देते हैं, उससे हिस्सा बनता है, पूरा ऊपर से नीचे तक हिस्सा जाता है सबका। अगर आप किसी से शिकायत भी करोगे तो भी वो कहेगा कि हम तो मंत्री जी को भी पैसा देते हैं, हमें नहीं अधिकारियों को भी पैसा देते हैं, कर दो तुम शिकायत, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। कागजों में तो कार्रवाई पूरी तरीके से ठीक चलती है, लेकिन ज़मीन पर सही तरीके से नहीं उतर पाती है। अगर ऊपर की लॉ भी ठीक है तो नीचे की लॉ भी सारी ख़राब है। सड़कों का जो योगी जी ने बताया था कि गड्ढे मुक्त बिल्कुल सड़क देंगे हम उत्तर प्रदेश सरकार में, वो अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है। कोई मिलावट की कहानी है, क्योंकि आदमी एक दूसरे को पैसे के अंदर कहता है वो पैसे दोगे मेरे को, आधा तो माल लगाएगा। अब आदमी अपने पास तो लगाएगा नहीं पैसा, उसमें ही एडमिट गंदे करता है जो भी है। ठेकेदार पैसा खा जाते हैं। हरकिशोर तिवारी जी, मुझे सीधे समझाइए अब कि ये इसमें आईटी के लोग भी शामिल हो रहे हैं, देश भर के एक्सपर्ट शामिल हो रहे हैं, कितना फर्क आप उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में दिखेगा हमें इसकी वजह से, और सारी सड़कें बेहतर हो जाएंगी, स्वर्ग का फील कराएंगी सड़कें उत्तर प्रदेश की? देखिए, ये एक सेमिनार है, इस सेमिनार में तमाम सारी चीज़ें विभिन्न स्टेट्स के लोग भी लेके आ रहे हैं और तमाम आईटीज के लोग भी लेके आ रहे हैं, जो इसमें एक्सपर्ट है वो लोग भी बैठ रहे हैं इसमें, और वो लोग अपने अपने सुझाव देंगे और अपने अपने स्टेट्स की बात करेंगे कि कहाँ क्या अच्छा है, उसको मानक मानते हुए उसमें से निचोड़ निकाला जाएगा। अगर उन निचोड़ को निकालने के बाद हम लोग उसको लागू करेंगे अपने भाग में तो कुछ उसका फ़ायदा होगा। और अगर हमने इसको इस खाली सेमिनार के रूप में ले लिया और उसके बाद सब कुछ खत्म कर लिया और हमने फिर देखा कि हमारे पास बजट कितना है, उसके हिसाब से हम चलेंगे, उन मानकों को नहीं मानेंगे जो वहां एक्सपर्ट तय करके गए हैं, तो निश्चित रूप से कोई लाभ हमारे इस सेमिनार का नहीं होगा साफ तौर पे। तो जरूरत इस बात की है कि जो कुछ इससे निकल करके आए उसको जमीन पर उतारा जाए, और उसको जमीन पर उतारने में जो घपले घोटाले हो जाते हैं उसको उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगे, तभी वो ये लक्ष्य जो रखा गया है कि स्वर्ग का फील कराने वाली सड़कें वो हमें उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।